तो हेलो गाइस, राधे राधे, कैसे हो आप। तो ये है नवरात्रि का पहला दिन और यहाँ पे मैं कर रही हूँ माता रानी को, मेरी पीतल की भगवान जी है तो मैं उनको स्नान करा रही थी पंचामृत से। और चलिए देखिए आप लोग, ये है मेरी पूजा की तैयारी। और यहाँ पे मैंने कलश स्थापना हर साल मैं करती हूँ तो इस साल भी मैंने की हुई है। और जो मैंने चावल को कलर किया था, नेक्स्ट ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है किस तरह से किया, आप लोग अगर नहीं देखा तो उसको देख सकते हो। तो ये मैंने पंचामृत बनाया हुआ था, यहाँ मैंने थोड़ी सी मैंने क्लिप लिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि उस टाइम ना काम ज़्यादा था और थकान भी हो रखी थी। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को फाइनली नहला दिया है और फिर मैंने अच्छे से कपड़े से उनको पोंछ दिया। अब चलते हैं उनको मैं कपड़े पहनाती हूँ, देखिए माता रानी किस कलर में आज मेरी रहेंगी वो आप लोग देखिएगा। और ये वाले मैं कपड़े वगैरह लेके आई थी, यहाँ पर मेरी रानी वीडियो शूट कर रही है तो अच्छी लगी मुझे ये वाली ड्रेस, तो मैंने ये वाली ली थी। और हाथ की चूड़ी वगैरह और नेकलेस भी लिया हुआ है, फुल लुक आपको अभी कुछ ही टाइम में मिल जाएगा, ठीक है। और मेरी मैंने बनाया है अष्टदल कमल, उसके ऊपर कलश रखा हुआ है। कलश में भी मैंने जो चार पांच चीज़ें होती सगुन की वो डाली है। यहाँ पे मैंने वो माता रानी के आगमन के लिए पैर बनाए हुए हैं उनके आगमन के लिए और पूजन किया था, ठीक है। तो मैं दीपावली पे भी करती हूँ और नवरात्रों में भी करती हूँ, ये जो पानी इसने लाया था वो वाला। तो फाइनली ये मेरी पूजा हो जाती है, हवन मैंने कर दिया है। हवन करने के बाद माता रानी को भी भोग वगैरह लगा दिया है, तो आप लोग देख सकते हो भोग में मैंने प्रसाद और लौंग और कुछ चीज़ें थी, अब मैं इस टाइम नहीं बता सकती, बहुत सी चीज़ें थी तो मैंने भोग वगैरह लगा दिया। और बाकी मैंने आरती भी कर ली और फाइनली हवन वगैरह सब कुछ हो गया है, पूजा फाइनली हो जाती है। तो देखिए आप लोग, ये वाला मेरा लुक है, थोड़ा सा मैंने बैक कैमरा से लिया हुआ है। अन्ना के भी लगाए क्या? अन्ना चाहिए आप लगा लेना। क्यों क्या क्या बनाया बताओ, क्या बनाया? चलो कुछ बना लो, व्रत तो नहीं है, बस पूजा कर ली, लक्ष्मी माता रानी का आगमन कर दिया और अब कुछ बनाएंगे। भूख लगी बहुत तेजी से है ना, अनन्या को भी खिलाएंगे कुछ। हाँ क्या अभी आपके बना देंगे, प्लेट रखी होगी ना। हाँ तो गाइस फाइनली पूजा हो गई है, आप देख सकते हो पूजा है मेरी माता रानी का दरबार पिंक कलर, माता रानी पिंक में है, हम भी पिंक में है, मेरी नानी भी पिंक में है, माता रानी मेरी पिंक में है। तो यहाँ पे मैं खा रही थी एप्पल और मेरा जैसे कि फास्ट है यानी, तो मैं बता दूँ मेरा फास्ट नहीं था, मैं एप्पल में काला नमक मुर्क करके खा रही थी मिला के, और फास्ट नहीं रखा था प्रेगनेंसी की वजह से। और बट मैं कलश स्थापना हर साल करती हूँ और माता रानी का आगमन कर दिया है मैंने। तबीयत कैसी है? बाकी मैं भी पिंक पहने हुए हैं, अनन्या भी और माता रानी भी। दवाई खा के ऐसे जैसे कि मैंने साड़ी वगैरह उतार दी है, चेंज कर दी है और किचन में बना रही हूँ कुछ मीठा सा, गाजर का वो रवा का हलवा और इसमें है काजू फ्राई किए हुए, काजू डाले हैं मैंने, फाइनली बन गया है। इसमें रख दी मैंने आलू बॉयल होने को, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो मैंने सूप पहन लिया है या फिर नहीं पहन पाई, कुछ भी बाल ही नहीं पहन पाई। चलते हलवा की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, बस बन गया। मैंने सूजी का हलवा बनाया है और मैंने इसमें जो काजू डाले थे उसको मैंने पहले फ्राई करके फिर मैंने ऐड किया हुआ था, और मैं इसी तरह से बनाना चाह रही थी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना हुआ है गाजर वो क्या बोले थे सूजी का हलवा। मेरा खाने का मन था तो मैंने बना लिया, और दो प्लेट बनाए हुए थे उसमें भी बच गया था, अच्छा बना हुआ था, बहुत ही टेस्टी। तो हलवा अब पराठे ले आ रहे तुम्हारे, आओ अन्ना खाएगी पूरी पराठा। मुझे कपड़े उठा के रखने हैं, काम पड़ रहा है,
पहला पड़ा ये नाश्ता लला के लिए अभी मैंने चाय पियो पराठा बनाया है मां चाय पियो मम्मा का ये और मम्मा की चाय भी मां चाय पियो हां मम्मा चाय भी पीनी है मां चाय पियो हाँ। क्या हुआ आजकल मैं बहुत ठंडी चाय पीती हूँ ठंडी है बिल्कुल हाँ खोल देंगे गोदरेज का क्या करना है मेकअप करना होगी क्या A few moments later. बनाने आ रही है ढूंढते हुए मम्मा को इसे बाहर खेले मम्मा था आप यहाँ हो मम्मा थक गई थी ना मम्मा बैठ गई इसलिए तुम मैं ना बाहर निकल के आई तो उन्होंने झाड़ू पकड़ा दी बाहर झाड़ू लगा दी मैंने तो अब मैं थक गई तो मैं बैठ गई अब कह रही है बाहर खेलो बाहर क्या खेले क्या खेलना बाहर बाहर खेलना है पक्का पक्का आ यहाँ साइकिल चला लो अपनी जाओ तो यहाँ से अगर ये वाले गेट खोल दो ना तो बहुत अच्छी मतलब बाहर का एकदम से मौसम अच्छा लगता ना तो जैसे कि मौसम भी अच्छा लगता है और हाँ हवा भी जो नेचुरल हवा होती है वो वगैरह अच्छी लगती है तो मैं तो ज़मीन पे ऐसे बैठ जाती हूँ पैदान पे ज़मीन पे बैठ जाती हूँ ना कहीं जा रहे हो स्लीपर पहन के कहाँ जब बाहर जा रहे हो